सबसे पहले तो आपके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम। डेजी म्यूज़िक का बहुत बहुत स्वागत शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे जितने भी भोजपुरी से जुड़े हुए इतने सारे कलाकार हैं जिनको अभी भी मौका नहीं मिल पाया है, तो उन्हें भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं तो सबसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा चुंबक हूँ कि सबके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं राधा सिंह आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगी। और डेजी म्यूजिक के बारे में क्या बोलूँ, ये ऐसा मतलब कि चैनल है जो हर किसी छोटे से लेकर के बड़े कलाकारों को मौका देती है। और वो मौका हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हम सब अपना घर परिवार छोड़ छोड़ के गांव से कहां कहां से पता नहीं स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, तो मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और शिवा भाई का भी, जो कि ये मौका आर्टिस्टों को दे रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग कहिए उनसे कि राधा सिंह को ले तो ज़रूर, क्यों नहीं। मेरा नाम निशा पारिक है। जैसे आप सभी लोगों ने मुझे टीवी इंडस्ट्री के कई सारे टीवी शोज़ में देखा है, और मेरी अभी लास्ट मूवी आई थी NSD 2। तो बस डेजी म्यूज़िक के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे कलाकारों को बहुत अच्छा बड़ा मौका मिलने वाला है, सो प्लीज़ रेडी हो जाइए। तो बहुत अच्छी है, अभी सब लोगों को परफॉर्मेंस का मौका मिल जाएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लॉन्च करिए और जल्दी से काम करिए। आपको चांस मिले डेजी म्यूजिक में तो करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक्टर हूँ और मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी, क्योंकि मैं काम करने ही मुंबई आई हूँ। घूमटा उठा के डेजी म्यूजिक, मेरी शुभकामनाएँ हैं नए कलाकारों के साथ, इनके एल्बम्स इनके म्यूजिक लोगों को पसंद आए, बस थोड़ा सा साफ सुथरा रखें और कहीं से वल्गर ना हो, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। क्योंकि डेजी म्यूज़िक जो है नई कंपनी है अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को प्रमोट करने के लिए, तो आप लोग इस कंपनी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे लगता है भविष्य में मेरे भी गाने इससे आने वाले आएंगे ना। जी मैम, आपके लिए अगर किसी तरीके से अगर वहाँ पर चांस हो तो आप गाना पसंद करेंगे इस प्लेटफॉर्म? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अच्छा मंच हो, वहाँ पे मैं हमेशा गाना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल गाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो आप सब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए डेजी म्यूज़िक वर्ल्ड को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैंने डार्लिंग फिल्म अक्षय सिंह के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है, जो कि दर्शकों ने खूब प्यार दिया और इतना प्यार दिया कि आते के साथ मैंने 4-5 फिल्में कर ली हैं, चाहे खेसारी जी के साथ हो, चाहे पराग पाटिल सर के साथ हो, चाहे अनंजय सर के साथ हो, तो चाहे रत्नाकर सर के साथ हो, तो बहुत धमाल मचा रहे हैं भोजपुर में। और डेजी म्यूज़िक के लिए ये बोलना चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि नए लोगों को और पुराने लोगों को सबको मौका दे रही है, तो ये हम जैसे एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। जी डेफिनेटली, देखिए कलाकार को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो अपना टैलेंट कहाँ दिखाएगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म और आने चाहिए और आ भी रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग इतना बढ़ गया है, डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रैंड हो गया है कि आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं, और उन्हीं में अगर डेजी म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नमस्कार, मैं संचिता बैनर्जी और मैं मेरी तरफ से डेजी म्यूज़िक को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक लॉन्च किया जा रहा है और आप लोग सुनिए, बहुत इन्जॉय कीजिए एंड जितना चाहे शेयर कीजिए, लव दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्रुति राव है और पिछले 5-6 साल से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और अभी जस्ट परफॉर्मेंस करके आ रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैं कितनी गर्मी आ गई है मुझे और हाँफ भी रही हूँ। हाँ बताइए। डेजी म्यूज़िक के लिए क्या कहेंगे, जो कलाकार हैं या पुराने जो कलाकार हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं? डेजी म्यूज़िक के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, और न्यू कमर्स बहुत सारे आ रहे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो ये डेजी म्यूज़िक जो है मुझे लगता है कि सहयोग करेगी न्यू कलाकार को और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उन्हें। भी है डेजी म्यूज़िक का, तो अपने सभी चाहने वालों से यही कहना चाहूँगा कि डेजी म्यूज़िक को आप लोग ज़रूर सुने, इस पर आप लोगों को भोजपुरी के बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर सुनिएगा। और मेरे कहने पे और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि क्या लगा, कैसा लगा। पूरी कोशिश है कि ये शिवाजी का ये चैनल है तो उन्होंने लॉन्च किया है इसको, और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पहले जो नहीं था प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है हर एक जगह से,
जी अभी भोजपुरी को बहुत अच्छा मकाम मिल रहा है। अभी हम लोग दुबई गए थे, वहाँ भी लोग अभी दुबई में भी लोग, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ भी पहचान ले गए, सर आप अयाज खान, हम कहे हाँ हाँ। तो बहुत खुशी होती है कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों को विदेशों में भी लोग पहचानते हैं, देश में तो पहचानते, विदेशों में पहचानते, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने सभी चाहने वालों से यही कहूँगा कि हम आज जहाँ हैं आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, तो आप लोग भी, हम लोग तो मेहनत करते ही हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको देखें। बहुत सारे ऐसे लोग कि हम भोजपुरी फिल्में नहीं देखते, बोलते यार भोजपुरी फिल्में क्या देखें, अच्छा नहीं होता, लेकिन नहीं, हम लोग आप लोग के लिए बनाते हैं। आप लोगों का मुझे लगता है कि जब आप लोग फिल्में देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आप लोग कमेंट भी कीजिए उस पर कि भाई ये फिल्में हमें अच्छी नहीं लगती, हमें इस टाइप की फिल्में मत बनाइए। तो भाई हमारे कहने का मतलब है कि अगर ऐसे कमेंट्स, ऐसे जो है आप लोगों के रिव्यू आएंगे, तो जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, शायद उनके भी दिमाग में जाए कि भाई चलो ठीक है, हमारी आवाम, हमारी जनता इस टाइप की फिल्में नहीं चाहती। तो आप लोग देखेंगे, देख के बताएंगे तभी, और पूरी प्रयास है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है विदेशों में भी काफ़ी नाम कमा रही है, तो हम लोग का तो यही प्रयास है कि अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं और आप लोगों का मनोरंजन करें। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड उस गाने के लिए, शूटर ये आई थिंक 28 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, और मुझे लगता है कि डेजी म्यूज़िक का सबसे बड़ा और ब्लॉकबस्टर गाना होने वाला है ये, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग इसे कंपोज किया गया है। मुन्ना जी ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, और सबसे अच्छी बात यह कि शिवाजी ने इतना पैसा खर्च करके इसको बहुत ही लेविश शूट किया है। और अभी थोड़े दिनों पहले मिड के पूरे कवर पेज, पूरे फुल पेज पे भी थे हम लोग, तो बहुत अच्छी बात है कि भोजपुरी जो है इस लेवल पर मिड जैसे पेपर्स पर आ रहा है और इस तरह से उसका इतना अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस गाने के लिए। 28 तारीख का मैं बहुत जोरों शोरों से वेट कर रही हूँ। खुशी की बात है, इतने सालों हो गए काम करते हुए, लेकिन मिड डे पेपर में किसने नहीं छापा है आई थिंक भोजपुरी को, इट इज़ द फर्स्ट टाइम। मेरे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी, अरे मिड डे नहीं छापा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भोजपुरी को इस लेवल पे लोग समझने लग गए हैं, जानने लग गए हैं, और लोग एफर्ट कर रहे हैं कि भोजपुरी उस लेवल पे जाए जहाँ हिंदी और हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। बहुत मज़ा आया, आपको पोस्टर देख के लग गई ना कि एक, और ये गाना एक्चुअली हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी इस गाने से बहुत हाई, और ये उससे ऊपर का शूट हो गया। कभी कभी कहते हैं कि किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, और गाना बनते 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 इतना अच्छा हो गया, और दो बज गए थे, और जैसा लुक चाहिए था शूटर वाला, वो एकदम एग्रेशन वाला लुक, और एकदम दोनों की ठसन है इसमें। ये तो ऐसे मुझे लग रहा है रोमांटिक पोस्टर लग रहा है, ये गाना वैसे रोमांटिक है नहीं, ये दोनों की बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाला सॉन्ग है, वो उससे लड़ रही है वो, क्योंकि उसके जो जो उसका क्या कह सकते हैं, वो मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसका मजाक उड़ा रहा है कि भैया तेरे बॉयफ्रेंड जैसे तो मैंने 1000 पाल रखे हैं, तो मैं उससे लड़ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग सॉन्ग है, और बहुत मज़ा आया। शिवाजी बहुत ही डियर फ्रेंड है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने म्यूज़िक की इंडस्ट्री में भी कदम रखा है। उन्होंने एक ही फ़ोन किया और मुझे बोला कि अनारा जी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और जब कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है किसी इंडस्ट्री में और आप उसके दोस्त हैं, तो हम पीछे कैसे हट सकते थे। तो मैंने उनको पूरा, उन्होंने बोला कि जी जी आप बनाइए, हम एकदम फुल ऑन आपके साथ हैं, और फाइनली ये गाना बन के तैयार है। मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, दूसरा गाना भी जल्दी आएगा, आई थिंक सून आएगा। हम दोनों गाने शूट कर चुके हैं, तो दूसरा गाना तो उससे भी धमाल है, मतलब एक से बढ़ के एक सॉन्ग्स हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ प्रतीक्षा उपाध्याय, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक कंपनी लॉन्च हुआ है डेजी म्यूजिक कंपनी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो लड़का दिख रहा है ना, ये मेरा दोस्त है, और बहुत अच्छा इसने एक्टिंग किया है, और बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्टों को इसने लॉन्च किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाएं, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इंसान है वो बहुत खास है मेरे लिए, शिवा मेरा भाई है, और मुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा अच्छा ट्रीट करता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि इसका खुद का एल्बम लॉन्च हो रहा है, ये खुद एक स्टार हो रहा है। और डेजी म्यूज़िक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं,
बहुत बहुत थैंक यू कि शिवा को लॉन्च कर रहे हैं. एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ गो एंड वॉच द म्यूजिक, इट्स सुपर्ब, इट्स ऑसम. मेरा नाम नितिका जायसवाल है. और मेरा नाम प्रियांशु सिंह है. बताओ आप डेजी म्यूज़िक के बारे में कुछ. डेजी म्यूज़िक के बारे में ये है कि ये नई म्यूज़िक कंपनी है और इसमें अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं. एक गाना तो मेरी दोस्त का ही है जो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हॉट लग रही है ये. तो आई विश किंग का गाना ये आए, लॉन्च हो और धमाका करे और हम सब भी, हम सबको भी मौका मिले काम करने के लिए नए चैनल. बिल्कुल नया चैनल है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे गाने करें. लाइक जैसा अभी के जनरेशन के लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रिंजर दिखना चाहिए, भर भर के डांसर्स रखो, अच्छा म्यूज़िक रखो, डिसेंट कंटेंट रखो जिसको फैमिली के लोग भी थोड़ा अच्छे से देखें और प्रमोट करें. इवन जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाने सिर्फ ऑटो रिक्शा में बजता है, वो मर्सिडीज़ में बजाने लायक भी प्लीज़ बनाओ. तो मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है. और मुझे तो पोस्टर्स देख के भी थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है कि लाइक ऑब्वियसली अनारा दी का पोस्टर हमने देखा है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना प्यारा सा पोस्टर बना हुआ है. गाने का नाम भी बहुत अच्छा है, शूटर. हरियाणवी सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग टाइप्स लग रहा है. आई वॉन्ट कि ऐसे गाने बने एंड हम भी परफॉर्म करें उसमें. हम लोगों को हालांकि हम गाने बहुत कम करते हैं बट ऑब्वियसली डेजी म्यूजिक के साथ किया जाएगा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सी प्लेटफॉर्म्स बहुत आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये है कि नया क्या हम दे रहे हैं ऑडियंस को, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और क्या बहुत वैल्यूबल आर वी गिविंग, हम लोग क्या अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है. एंड आई एम श्योर कि डेजी म्यूजिक बहुत अच्छा कुछ एल्बम्स लेकर आ रहे हैं. आई कैन रियली सी अनारा का पोस्टर इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. डेजी म्यूजिक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरी बेस्ट विशेज है डेजी म्यूज़िक के साथ. और ये बहुत अच्छी बात है कि डेजी म्यूज़िक नए पुराने सब कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने टैलेंट को दिखाने का. तो ये बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो जिनको पता भी नहीं होता है कि उनका टैलेंट कहाँ जा रहा है, कैसे जाएगा. तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है डेजी म्यूज़िक, जिसके तहत आप नए पुराने सब लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. तो मेरी बेस्ट विशेज डेजी म्यूज़िक के साथ. थैंक यू सो मच. अरे तो नेकी और पूछ, मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी गाऊंगी. थोड़ा थोड़ा गाने का शौक़ है, थोड़ा और शौक़ पूरा हो जाएगा मेरा. तो मैं तो बोलूंगी कि आप मुझे डेजी म्यूज़िक जो है मुझे बताएं मैं कब गाना गाऊं और मेरा गाना जो है दर्शकों के सामने आ जाए. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं रिंकू भारती गोस्वामी. आज यहाँ पे ग्रीन सिनेमा अवार्ड है, यहाँ पे इन्वाइटेड हूँ मैं. और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सबसे मिल के, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है. और साथ में देखिए डीजे म्यूज़िक है जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिंदी भोजपुरी हर प्रकार के यहाँ पे म्यूज़िक लॉन्च होगा. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, सबके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है. तो बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. और मैं हूँ रेशमा शेख और आप देख ही रहे डेजी म्यूज़िक अभी लॉन्च हुई है और अच्छी अच्छी सॉन्ग अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है, तो आप लोगों के लिए सुनहरा चांस है. नमस्कार प्रणाम, मैं सोनू पांडे. बहुत अच्छा लगा मुझे कि नया चैनल आया डेजी म्यूज़िक करके. और हमारे शिवा भाई जो आदमी के बिरादरी से हैं, यारो बिरादरी से पत्रकार हैं, और उनको मैं देखा हूँ इस एल्बम में साउथ अन्ना टाइप में स्टाइल बहुत अच्छा है. और ऐसे म्यूज़िक चैनल हमारे इंडस्ट्री में आने चाहिए, इससे नए नए लोगों को मौका मिलेगा और अच्छे से कलाकार निखर के बाहर आएंगे. थैंक यू. नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे. और आज बहुत खुशी की बात है कि डेजी म्यूज़िक के बहुत सारे गाने अभी लॉन्च हो चुके हैं और हमारा भी गाना शूटर आने वाला है, जिसमें मैंने और अनारा जी ने परफॉर्म किया है, काम किया है. तो आप लोग डेजी म्यूज़िक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मुन्ना जी आपको कि इतनी बढ़िया सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं शूटर. तो भोजपुरी में कोई तो होना चाहिए ना दबंग, तो हमारे मुन्ना जी है. और इनके गानों को सपोर्ट कीजिए, रील्स बनाइए, धमाका कीजिए, बस छा जाना चाहिए. और सब्सक्राइब करिए डेजी म्यूजिक. कमेंट, हाँ सब्सक्राइब कीजिए डेजी म्यूजिक को. मेरी बहुत बहुत विशेज है डेजी म्यूजिक को. मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि ये म्यूज़िक कंपनी आगे बढ़े. मेरा आशीर्वाद सब. मेरा दोस्त, मेरे साथ में अनेक वर्षों पत्रकारिता में काम करने वाला शिवा देवनाथ, जो अनेक वर्ष हमारे साथ पत्रकारिता में जुड़ा रहा,
कुछ समय मिड डे जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल का क्राइम हेड भी था, क्राइम रिपोर्टर था, बहुत अच्छे अच्छे एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग्स दिए उसने, छोटा राजन से लेके दाऊद तक अच्छे अच्छे ब्रेकिंग न्यूज़ शिवा ने दिए। शिवा के इस ब्रांड डेजी म्यूज़िक को मेरी शुभकामनाएं। हमेशा ही शिवा हमेशा मेरे फैमिली की तरह मेरा फैमिली मेम्बर रहा है, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा ही शिवा के साथ है और पूरे शिवा के टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, धन्यवाद। हाय, आई एम एक्ट्रेस पूजा पांडे एंड बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं बॉलीवुड में हूँ तो फिर भोजपुरी में क्यों आई, बट ऐसा नहीं है। पहले मैं भोजपुरी से ही आई थी बॉलीवुड में, आज बॉलीवुड में हूँ। ये शूटर का पोस्टर जो देख रहे हैं, शूटर में मैं समझ सकते हैं जैसे दिल जले मूवी आया था उसमें मधु जी ने रोल किया था, वो वाला रोल मेरा है इसमें। भोजपुरी हो, साउथ हो, बॉलीवुड हो, तो आज इस शूटर में भी मैंने काम की हूँ। और सबसे और हमारा डायरेक्टर अशोक मेहता जी है और शिवा देवनाथ सर हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत प्यारे हैं, जिनके जहन में मैं आई और उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में कि पूजा भोजपुरी करना है, तो मुझे स्क्रिप्ट समझाएं कि ऐसा है। मैंने बिन सोचे, क्योंकि शिव देवनाथ सर इतने अच्छे प्रोड्यूसर, बाद में इंसान इतने अच्छे हैं कि मैंने हाँ किया और मैंने उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आगे भी उनके साथ काम करूँ। तो थैंक यू सो मच शिव देवनाथ सर। नमस्ते, प्रणाम, मैं रजनीश वर्मा गोलू और आज मैं आया हूँ। ये जो हम लोग हमारे पीछे ये सुंदर सुंदर पोस्टर बैनर देख रहे हैं ना, ये है डीजी म्यूजिक का, हमारे शिवा भाई का, तो इससे मेरा भी बहुत जल्द एक गाना आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं तो आप लोग को सुनने को मिलेगा, हमारा भी बहुत जल्द गाना, तो आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए डीजी म्यूजिक को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच डीजी म्यूजिक, जो आपने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे नए पुराने सभी कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उन्हें अपनी कला दिखाने का एक अवसर मिलेगा जिससे वो अपने जीवन में जो उनकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा कर सकते हैं और भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक सर।